खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिरोंज समय जगत के खास कार्यक्रम जिम्मेदार कौन में आज के हमारे मेहमान हैं बीएमओ डॉक्टर प्रमोद दीवान। उनसे खास मुलाकात की हमारे संवाददाता जितेंद्र जैन ने और सिरोंज की स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार से जाना। आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें और फैसला करें कि सिरोंज की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। क्या सिरोंज में भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है और अभी तक नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन। यदि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं समय जगत न्यूज़ चैनल। आज हम राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में आए हुए हैं और हमारे सामने हमारे खास मेहमान हैं बीएमओ डॉक्टर प्रमोद दीवान। आज हमारा ये खास कार्यक्रम है जिम्मेदार कौन, तो चर्चा करते हैं हमारे मेहमान से। प्रमोद जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका आप परिचय दें। मैं डॉक्टर पीके दीवान यहाँ बीएमओ हूँ, खंड चिकित्सा अधिकारी के पद पर, और सारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही देख रहा हूँ। शहरी क्षेत्र के लिए हमारे इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर होते हैं, पहले डॉक्टर राहुल थे, कल उनका पद चेंज किया गया है तो डॉक्टर विवेक अग्रवाल को बनाया गया है। शहरी क्षेत्र और अस्पताल की जिम्मेदारी उनकी है। सर, एक बीएमओ का कार्य क्या क्या होते हैं वो आप मुझे बताओ। भाई देखिए, खंड चिकित्सा अधिकारी होता है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जो हैं हमारे, वो सब पूरा उनके अंडर में ही रहता है, मेरे अंडर में ही अस्पताल है। लेकिन चूंकि विभाग जैसे बटे हुए होते हैं, उसी तरह से हमारे एक इंचार्ज हैं जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो अभी आज ही प्रभारी, मतलब कल उनको प्रभार दिया गया है, वो अस्पताल जो हमारा अपना जो सिविल हॉस्पिटल है और प्लस हमारा जो शहरी क्षेत्र है वो उनके अंडर में रहता है। मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र में देखता हूँ, टीकाकरण है हमारा और हमारे बहुत से योजनाएं हैं, वो सारी हमारी दो पीएससी हैं, एक हमारी अर्बन पीएससी भी है, ऐसे वो सारे कार्य क्षेत्र हैं जो हम सब देखते हैं। और आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? मैं अभी जनवरी 2020 में ही यहाँ ट्रांसफर होके आया हूँ। कितने बेड का अस्पताल है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? ये वैसे ऑन रिकॉर्ड जो है हमारा वो 60 बेड का है जी। लेकिन पहले जो 100 बेड का था, लेकिन चूंकि यहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, इस कारण से वो हमारे क्राइटेरिया में हमारे जो विभागीय ऊपर जो रहते हैं उनके द्वारा 60 बेड किया गया है, तो ये 60 बेड के उसमें हैं। अभी अभी मतलब 60 बिस्तर या 60 बेड यहाँ पर मौजूद हैं और वो कार्यरत हैं सारे? हाँ बिल्कुल, वो तीन चार उसमें बटे हुए होते हैं, एक जर्नल वार्ड है, एक प्रसूति वार्ड है, एक एनआरसी वार्ड है, ये इस तरह से डिवाइडेशन होता है। 10 बेड की तो हमारी एनआरसी है जो कुपोषित बच्चों को हम रखते हैं। यहाँ पर कितने डॉक्टर और कितने नर्स का स्टाफ आपके पास है? मेरे यहाँ अभी जो हॉस्पिटल में है वो पाँच डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर हैं, विवेक अग्रवाल हैं, विनीता अग्रवाल जो दंपत्ति हैं वो दोनों हैं, डॉक्टर राहुल चौधा हैं, तो ये जो मैंने जिनके नाम गिनाए हैं ये सो MBBS डॉक्टर हैं। एक हमारे क्लास वन है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी, उनके पास DCH। और आपके पास क्या क्या है जो आप अपने मन से या आप अपने द्वारा जो आप यहाँ पर कर सकते हैं? हाँ, हमारे हॉस्पिटल के लिए सरकार हमको समय समय पर जो बजट उपलब्ध कराती है जी, हम उससे जहाँ हमारे सुविधाजनक, हमारे जैसे हमारे प्रसूति वार्ड है, हमारी NRC है, हमारे जनरल वार्ड हैं और हमारी अस्पताल की जो बिल्डिंग है, रख रखाव जो करना है, हम रोगी कल्याण समिति जो हमारी होती है जिसमें हमारे रोगी कल्याण समिति में जो सामान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं माननीय विधायक जी होते हैं, उनकी बैठक रखवा के हम अनुमोदन करवा सकते हैं। दूसरी हमारी ये कार्यकारिणी की जो बैठक होती है रोगी कल्याण समिति की, उसके अध्यक्ष हमारे SDM साहब होते हैं, तो जब हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम कराने होते हैं तो मीटिंग करके उसमें प्रस्ताव रखते हैं, जो पास हो जाते हैं तो वो सब काम होने लगते हैं। सर, ऐसा क्या कारण है कि इस हॉस्पिटल पर जनता का विश्वास नहीं है और वे यहाँ पर ना आते हुए बाहर जाता है या फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाता है? नहीं, विश्वास की बात मुझे नहीं समझ में आई है। मैं जब से यहाँ आया मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये शहर से काफ़ी दूर बना हुआ है। ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही है। मैं शहर में अभी झोला छापों पर जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जिनकी सील कर रहा हूँ, वो सारी बिना डिग्री के बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। कुछ एक डॉक्टर हैं जो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक से किए हुए हैं, लेकिन वो भी एलोपैथी के इलाज कर रहे हैं, उनको भी सील किया गया है।
ठीक है, यहाँ मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि ये शहर से काफी दूर है, इसलिए दिक्कत है कि पेशेंट यहाँ नहीं आता। विश्वास की तो मैं नहीं समझूंगा। नहीं सर, दूर होने का अगर बात कहें तो दूर तो फिर भोपाल जाते हैं, विदिशा जाते हैं, बासोदा जाते हैं। बासोदा में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर लोग बागों का विश्वास है, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल पर विश्वास नहीं है। ऐसा क्या कारण है और उस विश्वास को बनाने के लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे या क्या रणनीति आप बनाएंगे, क्या प्रचार प्रसार करेंगे उसके लिए? भाई देखिए, मैं जब जैसे ही यहाँ आया तो कोविड शुरू हो गया। बिल्कुल, कोविड में हमारी पूरी टीम निरंतर अपने आप को समर्पित कर चुकी है। ठीक है, ये लोगों को दिख भी रहा होगा। और पूरे विदिशा जिले में सबसे ज्यादा जो पेशेंट हैं कोविड के, वो सिरोंज में हैं, रेड जोन बन चुका है। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि भाई अपने घरों में रहें, मास्क पहन के रहें, सैनिटाइज का उपयोग करें। रहा सवाल अस्पताल का कि थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं हैं, हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो गैप है वो गैप पूरा हो जाए, तो मरीजों का जो विश्वास है वो हम पर बना रहे। सर यहाँ सोनोग्राफी मशीन है? नहीं, सोनोग्राफी मशीन तो सिरोंज में नहीं है। सुनने में तो आया था कि यहाँ पर एक सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन वो कुछ उपयोग में नहीं आ रही है, धूल खा रही है। अच्छा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि सोनोग्राफी मशीन होती भी जी, तो सोनोलॉजिस्ट होना जरूरी है, बिना उसके तो मशीन चल नहीं सकती। सर ये रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? एक इतना गया भी था सरोज है कि एक रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं आ सकता? नहीं यार, ऐसे तो काफी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। हमारे क्लास बन के जितने भी पद हैं वो सारे रिक्त हैं। सर्जरी विभाग का है, मेडिसिन विभाग का है, ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी का जो है, हमारे सारे जो हैं पद खाली पड़े हुए हैं। अब वो उसके लिए हम निरंतर अपने वरिष्ठ कार्यालय में मांग की जाती है, और पद भरना तो वरिष्ठ कार्यालय और हमारे विभाग का काम है। सर आप भी ये समझते हैं, एक दुकान है, अगर दुकान भरी होगी और दुकानदार बैठा होगा तो कस्टमर निरंतर उस पर आएंगे और अपना सामान लेकर जाएंगे। ये बात तो सही बात। अगर दुकान ही खाली होगी, हर कस्टमर एक बार गया वापस खाली, दूसरी बार गया तो तीसरी बार वो उस दुकान पर नहीं आएगा। तो जब आपके पास पद भरे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर सारे मरीज भी आएंगे। डॉक्टर ही नहीं है तो मरीज यहाँ पर कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात है। शासन से निरंतर पत्रों के द्वारा मांग की जाती रही है, मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी मांग की जाती रही है। शासन ने अभी तक वो पद नहीं भर पाए हैं। हो सकता आने वाले समय में अच्छा समय आएगा हमारा कि शासन उन पदों को भर देगी। तो सर इस चीज का जिम्मेदार कौन है कि यहाँ पर पद रिक्त पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं है, इस चीज का जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदारी तो ये सभी की बनती है, भाई पद खाली है यहाँ। मैं एक बात ये भी देख रहा हूँ कि है ना, बहुत पद खाली रहते हैं, डॉक्टर्स मतलब नहीं मिल पा रहे हैं आने के लिए, क्योंकि जो पहले जैसे अभी कोविड चल रहा है इसमें तो डॉक्टर्स जो जहाँ थे वहीं रहना पसंद कर रहे हैं। और काफ़ी निरंतर हमारा जो हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो निरंतर इस बात पर ध्यान दे रही है, और अभी मैं समझता हूँ शायद ये कोविड का ये जो चल रहा है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सबको एकजुट होने की काम करके रखना है, और मैं समझता हूँ जल्दी पद भर दिए जाएंगे। ऐसा जो अपने सिटी में हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, उसमें आपने क्या क्या व्यवस्थाएं दे रखी है वहाँ पर, और कितने समय से कितने समय तक वहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं ताकि वहाँ मरीज आकर अपना चेकअप करा सकें? सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लिनिक वो खुलेगी, और उसमें डॉक्टर 7 कुरेशी हैं जो निरंतर सेवा दे रहे हैं अपनी। सुबह 12 से 8 पहले था, अभी शायद चेंज किया है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे बताने में, लेकिन अपडेट नहीं आ चुका है, लेकिन शायद मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा बताने में कि 9 से 12 किया है और 4 से 8 किया, कुछ ऐसा बदलाव किया है। सर सिरोंज में COVID-19 के मरीज काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, बाहर जिला चिकित्सालय में पहले पहुँचाते थे, अभी कुछ आपने ऐसी व्यवस्था की है कि सिरोंज में ही कोई कोविड सेंटर बनाया हो? अभी पहले क्या कोविड सेंटर हमने बनाया था पॉलिटेक्निक कॉलेज को, चूंकि वहाँ बच्चों के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्ज़ाम की बात हमको जानकारी मिली थी SDM साहब के जरिए। अब कल हमने हमारे श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय और SDM साहब दोनों हम तीनों ने भ्रमण किया था, और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में हम कोविड सेंटर में जो व्यवस्थाएँ थी पहले सुचारू रूप से कर लें, और ऐसा निर्देश मिला है कि आप यहीं एसिम्प्टोमेटिकल जो पेशेंट है उनको यहाँ रखें। सर अगर जैसे आप यहाँ पे कोविड सेंटर बनाते हैं तो वहाँ वेंटिलेटर वगैरह या और जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर आप रखेंगे? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना एसिम्प्टोमेटिकली,
जिनको कोई समस्या है उनको तो मैं तत्काल विदिशा भेज दूंगा। जिसको कम समस्या है उनको ये कम समस्या मतलब जिसको कोई समस्या है ही नहीं, वो एम्स एसिम्प्टोमेटिकली में है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो मैं वक्त पर उसको पहले विदिशा भेजूँ। सर जैसे कि किसी व्यक्ति को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं घर पर ही और वो उसको लगता है कि मुझे COVID-19 हो सकता है या है, तो वो अपना चेकअप कराने के लिए या टेस्ट कराने के लिए कहाँ पर आएगा? हमारे अस्पताल में फीवर क्लिनिक, हम जो एक पृथक से हमने फीवर क्लिनिक बना रखी है जहाँ सिर्फ सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की ही एंट्री है जी। हम उसमें पूरी व्यवस्था है, हमारे वहाँ स्कैनिंग हो रही है, पल्स ऑक्सीमीटर से हमारी O2 उसका टेस्ट हो रहा है, वहाँ आके वो जांच करा सकते हैं और हम संभवतः जितने भी मरीज ऐसे आए हैं उनके हमने संभवतः सैंपल लिए हैं। तो सैंपल आप कितने बजे तक लेते हैं? हमारा हम ये कोशिश करते हैं, पहले हमारे विदिशा में सैंपल की रिपोर्ट हो रही थी, अभी कारणवश किसी कारणवश वहाँ बंद हुई हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 2 बजे तक वो सैंपल और सारी रिपोर्ट्स बना के, क्योंकि वहाँ 5 बजे तक हमको जमा करने होते थे विदिशा में, चूँकि हम 2-3 बजे तक सैंपल ले लेते हैं जिससे भोपाल हमारी हमीदिया लैब में पहुँच जाएँ, समय पर पहुँच जाएँ। तो 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाती होगी? हाँ, पहले तो हमको नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिल जाती थी, चूँकि अभी ये इकट्ठा कई जिलों से सैंपल इकट्ठे हो गए इस कारण से थोड़ा सा रिपोर्ट का डिले हुआ है, वो कुछ दिन में दुरुस्त हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया, समय जगत के लिए इतना समय दिया, आपसे चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारी समस्याएं हमें बताई और सारी समस्याओं के हल भी हमें बताए कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो जल्दी व्यवस्थाओं में बदलेंगे और उनको जल्दी से भरने की प्रयास करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र जैन के साथ संवाददाता जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए सिरोंज से कैमरामैन धर्मेंद्र जैन के साथ संवाददाता जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।